जैसा हालात है कोई बताए ना बताए सबको मालूम है, हर व्यक्ति जो है भूल रहा है हर समस्याओं को, और सरकार अंधी हुई बैठी है। अभी विस्तार पूर्वक चौधरी मानिए मायावती जी ने पूरा तफसील से आपको बताया कि हम क्या थे, कहां है और क्या है। फैजाबाद का जहां पर सवाल है, फैजाबाद में हमारा महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल टाउन, सबसे पहला उस समय का पंजाब जब हरियाणा पंजाब एक था उस समय फैजाबाद एक टाउन बना और बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, बड़े जवाहरलाल नेहरू ने लेकिन अच्छी तरक्की करी। बीच में ऐसी सरकार आई उधर फैजाबाद को पीछे कर दिया। जैसा कहा आपका भी ऐसा समय भी था कि फैजाबाद को फकीराबाद कहने को, तो 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी, हमारे को उस प्रदेश की सेवा का मौका मिला और यहाँ की समस्याएं फैजाबाद की जो उनके पानी की हो, रेली वैली योजना की बात हो, निकासी की बात हो, बाईपास की बात हो, आईएनपी की बात हो, यहाँ से गुड़गांव की सड़क की बात हो, इस सड़क सिलसिले बनाने की बात हो, कोई भी समस्या न हो, यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, कोई हमने 10 साल में हमारे सभी कार्यकाल में फैजाबाद में कोई कमी नहीं छोड़ी और सुंदर विकास भी हुआ और हम आगे बढ़े। निकासी का समाधान नहीं, कोई पानी का इंतजाम नहीं, कोई इंडस्ट्री जागे नहीं, कोई आईएनपी में बढ़ावा नहीं होगा, कहीं भी समस्या समस्या। लेकिन आज हम कहां पहुंच गए, मेरे इस बात का मजाल है कि 2014 में जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में और नौकरी देने में, नौकरी के साधन उत्पन्न कराने में और खेल और खिलाड़ियों में मेरे आगे नहीं है, सरकारी आगे है। 2014 में हरियाणा पूरे देश में नंबर एक था। आज इनका साल के बाद हरियाणा किस चीज में नंबर एक है, ये प्लानिंग कमीशन के आगे बता रहा हूं मैं आपके दूर से नहीं कह रहा, सरकारी आगे। आज हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर एक, 3 गुना से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई। आज हरियाणा प्रदेश, पूरा प्रदेश सात सरकारी आंकड़ों का असुरक्षित प्रदेश है, कोई भी सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश में। आज आप देख रहे हैं जगह जगह फोटिया मांगी जा रही है, कानून व्यवस्था चरमरा रही है। फैजाबाद में जो छोटे कारखाने थे वो बंद होने के लिए 1 लाख से ज्यादा बेरोजगार जो मजदूर यहाँ फैजाबाद में हिंदुस्तान में, और ज्यादा खेल खिलाड़ियों का सवाल है। आपने सब देखा जो हमारी योगिया जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया, उसकी क्या है एशिया ओलंपिक उनके साथ जंतर मंतर में किस प्रकार भेजा गया, आज तक उनको न्याय मिल रहा, तो क्या हो रहा है। आज 10 साल हो गए इस सरकार ने एक यूनिट बिजली पैदा नहीं की, एक भी मेट्रो पोल आगे नहीं बढ़ाया, मेट्रो आगे जो कैपिटल प्रबंध जाए एक भी नहीं, और कोई बड़ा कारखाना नहीं आया, कोई बड़ी संस्था नहीं बनाई, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई भी भविष्य के काम में आवाज भविष्य की पीढ़ी की काम आए ऐसा कोई इनका सोच नहीं है। बात हम आए ठीक है, चुनाव का भी सुनागा नहीं, आप सबको इस बात की तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका।
आप तो अपने मेहनत की अच्छाई लक्ष्य लड़ा पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन हार जीत तो काम नहीं, प्रजातंत्र का अंग है। मैं इस बात की मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत अधिक लोग आपकी आए हैदराबाद में और अपनी बात सुनते हैं। अब सवाल यह है, 10 सीट लोकसभा की थी हरियाणा को, हमारे पास एक नहीं थी, 10 में से 5 आ गई। मैं आता तो मोर्चा जीत लिया आपने, लेकिन असली मोर्चा तो अभी बाकी है भाई। 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव आने जाने, विधानसभा चुनाव हो गए तो उसमें आप देखना। देखिए अभी अच्छे वैसे तुम्हारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, वहां पे अध्यक्ष जी ने सारी बता दी आपको, घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, बहुत सारी बातें हम लिखेंगे फिरोजाबाद की भी और भी। लेकिन मोटे मोटे 5-7 फैसले हम कर चुके हैं, जो हमारी सरकार बनेगी तो हम करेंगे। वो क्या है, हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, तो वे सबसे पहले हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे। और जो एक महंगाई का कारण है बिजली भाई, बिजली जो है 300 यूनिट फ्री करेंगे ताकि लोगों की महंगाई से मार सकें। दूसरा आपको याद होगा, हर व्यक्ति आजकल खाना जो है हर घर में गैस सिलेंडर में बनता है। 2014 में गैस के सिलेंडर का भाव 400 रुपए था, अब हो गया 1200। तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर का भाई भाव 500 से ज्यादा नहीं है। दूसरा आपको देखा बेरोजगारी की बात, ये कौशल रोजगार निगम बनाए मुझे, उसका क्या काम है, उसका काम है ठेके में नौकरी देना, भ्रष्टाचार का आटा, भ्रष्टाचार आटा बना हुआ है। नौकरियां इस प्रकार की भी है, इस सरकार में जैसे प्रतियोगिता है किसी भी नौकरी में, और कोई पक्की नौकरी नहीं कौशल रोजगार निगम में, ना तो पक्की नौकरी है, ना पेंशन है, ना मैरिट है, ना रिजर्वेशन है, सिर्फ भ्रष्टाचार करता है। उसका एमडी भ्रष्टाचार में पकड़ा गया आपको मालूम। इसी प्रकार से आप जैसे मेरे कहा रिपोर्ट किया तो हमारी सरकार को याद होगा 2005 में जब हमारी सरकार आई तो उससे पहले भी ऐसे ही हालात थे में। लेकिन 2005 में सरकार बनते ही हमने कह दिया था बदमाशों को या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, 10 साल बहुत शांति से आज हम कह रहे हैं कौन सी सरकार आते ही बदमाशों को हरियाणा में नहीं होगा। सरकारी कर्मचारी है ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं, हम अपनी सरकार आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इसका और बहुत सारे काम है जो हमें करना है आपके, और फरीदाबाद का फिर से वही बनाना है। फरीदाबाद जो हम एक था उसी तरह जाना है, और विकास करना है, यहाँ की निकासी का इंतजाम करना है, यहाँ पानी पीने का इंतजाम करना है, पूरा इंतजाम सबसे प्राथमिकता हम फरीदाबाद को देंगे, क्योंकि हमारा प्रमुख शहर है, हमारा इंडस्ट्री शहर है, यहाँ रोजगार के साधन पैदा होंगे, यहाँ रोजगार मिलेंगे। हमारे जिले में प्रति व्यक्ति आय में प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था, और आज कोई निवेश ही नहीं आ रहा, निवेश नहीं आ रहा तो कैसे आगे जाएंगे। छोटा उदाहरण है, जैसे अंजू गांधी ने बताया महाराज जी ने, आज 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हो गया, जबकि हमने अपने समय में हरियाणा बना 2014 तक हमें 4 पावर प्लांट बनाए, एक ड्यूटी पावर प्लांट बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाए, 70,000 रुपए, 70,000 करोड़ कर्जा था, प्रदेश में 10 साल में इनने किया, इसलिए भ्रष्टाचार के से कर्जा उठा दिया। तो भाई ये बात, तो ये आज मौका आ रहा है, ये जो हमने कहा है, ये हरियाणा में काम कब होंगे, कैसे होंगे,
आप बताओ पड़ोसी सरकार जाते हो ना, पड़ोसी सरकार पड़ोसी सरकार कैसे बनेगी, यहाँ से विधायक बनोगे। अब तो एक विधायक एक विधायक से नहीं भाई, फैजाबाद के सारे विधायक कांग्रेस पार्टी के आप बताओ। तो एक बात मैं कहता हूँ आपको, मैं पूछता हूँ एक बात, मेरी तो मान लो दूसरी में भारी मान लो क्या, मेरी तो ये मान लो फैजाबाद के सारे प्रांत के विधायक बना लो, मैं तुम्हारी क्या मानूंगा कांग्रेस की सरकार बना लूंगा आपकी मंत्री है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।